हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जो बजाज कार्ड से फाइनेंस करा लेते हैं और वो ईएमआई के तौर पर पेमेंट करते हैं और उनकी जो ईएमआई है उनकी बैंक से कटती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आ जाता है और वो अपने पैसे जो उनकी ईएमआई होती है वो एडवांस में पे करना चाहते हैं कि वो अपनी ईएमआई एडवांस में पे करते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है दोस्तों, बजाज का जो सेंटर होता है वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ पर लाइन में भी लगना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बैंक से ईएमआई कटती है उनका वो अकाउंट कभी क्लोज हो जाता है या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से उसमें पैसे नहीं डाल पाते। लेकिन जो बजाज कंपनी होती है उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। अगर उनके पास टाइम पर ईएमआई नहीं पहुँचेगी तो वो क्या है, चार्जेस लगा देते हैं। तो दोस्तों, इन सबसे बचने के लिए मैं आपके लिए एक तरीका ऐसा लेकर आया हूँ कि आप एडवांस में घर बैठे ही मोबाइल से अपनी ईएमआई पेमेंट एडवांस में पे कर सकते हो बिना बजाज के सेंटर जाए और ना ही आपको किसी लेन में लगना पड़ेगा, ना ही किसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चाहे आपका अकाउंट बंद हो या चालू हो, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप एडवांस में पे कर सकते हो अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप से। तो दोस्तों, पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप आसानी से पूरा प्रोसेस जो समझ जाओगे और आप आसानी से अपनी बजाज की किस्त आसानी से पे कर सकोगे अपने मोबाइल से ही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें टाइप करना है बजाज फाइनेंसर्व। जब आप उसको यहाँ पर टाइप करोगे तो टैग इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर बजाज फाइनेंसर्व का जो लोजो वाला लोगो आ रहा है, इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऊपर थ्री डॉट पर आना है, जो थ्री लाइन हो रही हैं इन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे आना है माई अकाउंट पर। माई अकाउंट पर जाने के बाद आपको सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है कस्टमर पोर्टेबल का, आपको यहाँ क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है। आप यहाँ पर दो तरीके लॉगिन कर सकते हो दोस्तों। जब आपने बजाज कार्ड बनवाया था तो आपने जो वहाँ पे मोबाइल नंबर दिया था या फिर जो ईमेल आईडी दी थी, आप कोई भी यहाँ पर डाल सकते हो, उससे लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ जो कि मैंने दिया था। अब यहाँ पर जैसे हमें सेंड OTP के लिए नेक्स्ट कर देना है। अब हमारे नंबर पर OTP आएगा जो हमें यहाँ पर डालना है। अब दोस्तों, हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, गो का सो अपन ईएमआई का। हमें गो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे सामने दोस्तों नया इंटरफेस आ गया है। हमें यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, जो थ्री लाइन आ रही हैं। अब सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है क्विक पे का, उस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है इसलिए। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट का, आपको सबसे ऊपर वाले पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस पेमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके पास नया इंटरफेस आ चुका है। आपके पास जितने भी बजाज के लोन चल रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप जिसकी भी ईएमआई पे करना चाहते हो, जिस लोन की भी, उसके पे उस पर आपको पे करना है। तो मैं 2667 पे करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ईएमआई भरनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये बता रहा है कि जब भी आप कोई ईएमआई एडवांस में पे करना चाहते हो, चाहे वो आपकी कोई सी लोन की हो लेकिन बजाज की होनी चाहिए, तो ये बजाज के बारे में बता रहा है कि आप जब भी कोई एडवांस में ईएमआई पे करना चाहते हो तो आपको वो ईएमआई 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक के बीच में करनी है। अगर आप 24 तारीख के बाद में करोगे तो आपकी ईएमआई जो एडवांस में पे करते हो वो पे तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगा। और आप अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो आप पे चार्जेस लगा दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आप एडवांस में ईएमआई पे करते हैं तो उसका कुछ प्रोसेस होता है जो कि 7-8 दिन में पूरा होता है। जब आप 24 तारीख के बाद पे करोगे तो 7-8 दिन लग जाएंगे उसको प्रोसेस पूरा होने में। तब तक आपकी 2 तारीख आ जाएगी ईएमआई वाली, जो कि पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपके अकाउंट से भी पैसे कट जाएंगे। अब ये पैसे जो आप एडवांस में पे कर दोगे वो आपको वापस तो मिल जाएंगे लेकिन पता नहीं कब मिलेंगे। तो इसका ये तरीका है, आपको 4 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में 24 तारीख तक आपको ईएमआई पे करनी है अगर आप एडवांस में पेमेंट करना चाहते हो तो। जैसा कि अगर आपकी ईएमआई 2 जुलाई को कटेगी तो आपको 4 जून से लेकर 24 जून के बीच में ही एडवांस में पे करना है। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, जी हमें दिखा रहा है कि हम कौन से महीने की ईएमआई पे करना चाहते हैं। तो मैंने इसमें फिल कर दिया जुलाई की, क्योंकि हम इसमें जुलाई की एक महीने की एडवांस में पे करना चाहते हैं। तो जुलाई पे करने के बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। अब जो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से
इंटरनेट बैंकिंग से या UPI से। तो दोस्तों मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं कोटक बैंक से आपको पेमेंट करके दिखाऊँगा। फिर मुझे पे नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों ये प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे मुझे अपनी कस्टमर आईडी डालनी है और अपना इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड डालना है। उसके बाद मुझे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब मुझे यहाँ पे सिक्योर लॉगिन दिख रहा है आपको रेड कलर में, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मुझे वन टाइम पासवर्ड डालना है जो कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। चलिए मैं डाल देता हूँ, फिर वेरीफाई करता हूँ। अब देखिए दोस्तों OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे फिल करता हूँ उसे। दोस्तों मैंने OTP डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म आ रहा है, मैं कन्फर्म कर देता हूँ। दोस्तों देखिए कन्फर्म करते ही मेरा जो EMI है, जो मेरा पेमेंट है, वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखिए दोस्तों मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए मेरे फ़ोन पे भी कंपनी की तरफ से, बजाज की तरफ से मैसेज आ चुका है कि आपका पेमेंट हमें रिसीव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप पूरा प्रोसेस जो है आसानी समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।